धनतेरस के त्योहार को कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने इसी दिन सभी देवताओं को अमृत पान देकर अमर बनाया था। इसलिए आज भी स्वास्थ्य और आयु की कामना के लिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन वैदिक देवता यमराज जी का भी पूजन किया जाता है। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो सारा दिन उपवास रखते हैं और शाम को यमराज जी की कथा को सुनते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा है कि धनतेरस के दिन जिस परिवार में यमराज के निमित्त दीपदान दिए जाते हैं उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन घरों में साफ सफाई और स्वच्छ दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी जी का आवाहन भी किया जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने घर के पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन को खरीद करके अपने घर में लाता है। अगर आप चांदी के बर्तन को खरीदते हैं तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी आपको उधार सामान नहीं देता है। इस दिन व्यक्ति को कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में गांठ गौशाल कुआ बावड़ी और मंदिर आदित्य इन जगह पर दीप दान करना चाहिए, यानी कि दीपक जलाना चाहिए। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन बुद्धि के देवता और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस की पूजा विधि के बारे में, इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन पूजा दिन में नहीं बल्कि रात के समय में की जाती है और इसके लिए घर में यमराज जी के लिए भी एक दीपक जलाया जाता है। यदि आटे का बना दीपक हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और उसे घर के मुख्य दरवाजे पर रख दिया जाता है। इस दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर जमा दिया जाता है, या फिर यमराज का दीपक भी इसे कहते हैं। रात को स्त्रियों को इस दीपक में तेल डालकर नई रुई और बत्ती को इससे बाती बना करके दीपक को जलाना चाहिए। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक को आप दक्षिण दिशा में ही रखें। पूजा में आप जल, रोली, फूल, चावल, गुड़ और नौवे आदि का इस्तेमाल भी करें और यम की स्तुति करें, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं। तो आप उन्हें श्रद्धा भाव से नमन करते हुए विनती करें कि आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। अब हम जानते हैं धनतेरस की कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के बारे में विचार कर रहे थे तो माता लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि वह भी उनके साथ चलना चाहती हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम मेरी हर बात को मानोगी तो ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। माता लक्ष्मी ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और दोनों लोग मृत्यु लोक की भ्रमण के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, तुम इस तरफ देखना भी मत। विष्णु जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में अजीब सा महसूस हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहां देखने के लिए भी मना कर दिया गया है। इस रहस्य को जानने के लिए माता लक्ष्मी जी भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। उसमें लगे फूलों के मुख पर लक्ष्मी जी ने कुछ फूल तोड़े और अपना श्रृंगार किया। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए। लक्ष्मी जी ने चार गन्ने तोड़े और उन्हें चूसने लगी। इसी बीच भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी नजर आ गई और उन्होंने देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम 12 साल तक इस किसान के पास सजा के रूप में सेवा करोगी। ऐसा कहकर विष्णु जी क्षीर सागर लौट आए और लक्ष्मी जी किसान के घर में रहने लगी। वह किसान बहुत ही गरीब था। लक्ष्मी जी ने उनकी पत्नी को कहा कि तुम स्नान करके देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो तो जो तुम मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजन के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर धीरे धीरे अन्य साधन आदि आने लगे और कहा कि ध्यान रखना कि स्वर्ण आदि से बनने वाले कोई भी चीजें आप इसमें इस्तेमाल ना करें। इस तरह लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी के 12 साल आनंद के साथ बैठ गए और शिव सागर जाने के लिए तैयार हो गए। जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से नहीं जाना चाहती थी। इस पर विष्णु जी ने एक चतुराई का सहारा लिया। विष्णु जी जिस दिन
लक्ष्मी जी को लेने आए उस दिन पारुनी पर्वता तो विष्णु जी ने किसान को वाणी पर्व का महत्व समझाते हुए कहा कि तुम परिवार के सहित जाकर गंगा में स्नान कर लो और इन कार्यों को भी, इन सभी सामान को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां दी ताकि किसान ने गंगा में बहा दी। किसान ने भी वैसा ही किया, उसने गंगा में 4 कौड़ियां डाली। नदी में बहाव तेज होने की वजह से वह पानी कौड़ियों को लेकर के बह गया। तब किसान को इस बात का आभास हुआ कि उनके घर में जो स्त्री है वह कोई देवी है। किसान ने गंगा माता से पूछा कि हे माता, यह 4 भुजा किसकी दिखाई दे रही हैं? तब गंगा ने कहा कि किसान, यह 4 भुजाएं मेरी हैं। तूने जो कोड़े डाली हैं वह तुझे किसने दी थी? इस पर किसान ने कहा कि मेरे घर में एक स्त्री आई हुई है, उन्होंने मुझ पर ये कोड़ियां दी थी। इस पर गंगा जी ने कहा कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई हुई है वह स्वयं देवी लक्ष्मी जी है और वह पुरुष भगवान विष्णु जी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना वरना तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। इस बात को सुनकर किसान वापस अपने घर आ गया और वहां आकर माता लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इन्हें कौन जाने देना चाहता है, किंतु यह तो चंचल है, ये कहीं भी नहीं ठहरती है, बड़े से बड़े इन्हें रोक नहीं पाते हैं। ये तो मैंने इन्हें श्राप दे रखा था कि 12 वर्ष तक ये तुम्हारी सेवा करें और अब इनके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पर किसान ने कहा कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जा सकते हो। इस पर माँ लक्ष्मी जी बोली कि किसान, अगर तुम मुझे ना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। उन्होंने कहा कि कल तेरे से जो तुम अपने घर को तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। पहले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही लोगों के सभी जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें हमेशा धन धान्य आदि का पूरा प्रभाव मिलता रहता है और उनके घर में कभी कर्जा, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा आदि नहीं होता है। घर हमेशा सुख समृद्धि धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक कथा अच्छी लगी हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ ये अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, हर रोज अपना राशिफल हमारे इस चैनल पर जरूर देखें और अगली वीडियो का हमारी का इंतजार करें। कल हम आपके सामने फिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज़्यादा धन्यवाद। जय बजरंगबली।